इस वक्त बड़ी खबर ये भी है कि रूस अब बेलारूस में सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है और बेलारूस में रूसी सैन्य ठिकानों का बहुत बड़ा मतलब है क्योंकि जिस रूस ने युद्ध की शुरुआत सबसे पहले यूक्रेन के पूर्वी इलाके से की थी अब वही रूस पश्चिमी यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। और इस वक्त हम आपको ग्राफिक बॉल के जरिए समझाते हैं कि बेलारूस में रूस अपना सैन्य बेस बनाता कैसे है। ये जो आप मैप इस वक्त देख रहे हैं उसकी स्थिति क्या है और ये ड्यूरेशन कितना है 528 किलोमीटर। ये वो राजधानी क्यू जहां पे अब ताबड़तोड़ हमले एक बार फिर से किए जा रहे हैं। अनुपमा बिल्कुल, तो देखिए बेलारूस की राजधानी मिंस्क से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी जैसा कि रीमा ने बताया कि 528 किलोमीटर है जो ग्राफिक्स वॉल के जरिए हम दिखा रहे हैं। जबकि बेलारूस की बात करें तो बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर के आसपास की है मोनिका। बिल्कुल, जिसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ कि अगर पश्चिमी यूक्रेन पर हमला आसान होगा इस तरीके से सैन्य बेस का रूस को किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि बेस या परमाणु हथियारों को बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात करता है तो पश्चिमी यूक्रेन पर हमला बेहद ही आसानी से हो पाएगा। रीमा, और बेलारूस का जो स्टैंड रहा है वो शुरुआती वक्त से ही क्लियर है, यानी बेलारूस ने हमेशा से ही रूस का साथ निभाया। यही वजह है कि इसके एरिया का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए, राजधानी क्यू पर हमला करने के लिए रूस करेगा एक बार फिर से। और इसी रास्ते से देखिए कीव पर कब्जे की कोशिश भी रूस तेज कर सकता है, यानी कि यहां से यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा जो है वो बेहद आसान हो जाएगा। रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को पूरा करने के लिए प्रचंड प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागी हैं। सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का ही है जहां पर लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस का जो स्टैंड है वो क्लियर है, एक बार फिर से उसने शुरुआती वक्त जैसे ही ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। और सबसे ज्यादा चुनौती इस बात को लेकर क्योंकि अब राजधानी क्यू पर उसको हमले करने हैं और वहां पे अलर्टनेस जारी कर दिया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत